तो हेलो दोस्तों, सलाम, स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हो गया थर्सडे और आपके लिए लेके आ गया हूँ इस हफ्ते का टेक न्यूज। तो आपको आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए मज़ेदार खबर इस बार होने वाला है। और आपको क्या क्या खबरें आपको मिल सकता है इस बार और क्या क्या आपको अपडेट मिल सकता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या तो आपके पास कुछ नॉलेज है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट कर। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोटिवेट यूँ ही बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि किसी के पास इन्फॉर्मेटिव जरूर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते। तो दोस्तों पहला टेक न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेट करता है, जो कि BGMI के लवर्स है उनके लिए हाल ही में एक अपडेट आ चुका है BGMI का, जो कि है Ariel अपडेट का नाम से आने वाला है। ये अपडेट आपको Ariel बैटल ग्राउंड मिलने वाला है, जो आपको ट्रेनिंग मोड वगैरह आता था जो कि और जो गन टारगेट मोड वगैरह आता था वो सब आपको आउटडोर मिलता था, अब वो इंडोर होने वाला है। तो आपको ये मिलने वाला, इस अपडेट में आपको मिलने वाला है कि आपको जो भी आपको टारगेट जोन मिल रहा था या तो आपको जो भी प्रैक्टिस मोड मिलता था वो आप इंडोर में कर सकते हैं, आउटडोर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये अपडेट आ चुका है, आप जाके अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंड टेक न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपको पता है रेडमी का नोट सीरीज़ कितना पॉपुलर है। नोट 12 सीरीज़ जो आने वाला था इंडिया में, इसमें आपको जो कोड नेम रिलीज़ हुआ है, जो लिक्स आया है कोड नेम का, उसमें आपको दो पोको के अंडर में भी वो सेम कोड नेम पोको के अंडर में भी आने वाला है। इसका मतलब ये है कि सेम ब्रांडिंग होने वाला है इस बार, फिर रेडमी का फ़ोन पोको ब्रांडिंग के नीचे आने वाला है। और एक न्यूज़ ये है कि जो K50 गेमिंग एडिशन था रेडमी का, वो फ़ोन इंडिया में आपको पोको F4 GT के नाम से आने वाला है और उसका स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ वो आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है पोको के तरफ से, चाहे वो रेडमी के फ़ोन से आए चाहे पोको के तरफ से आए, हमें एक अच्छा फ़ोन देखने को मिलने वाला है। तो बहुत जल्द आपको ये दोनों मिलने वाला है। तो दोस्तों थर्ड न्यूज़ ये है कि ये पोको लवर्स के लिए, जो पोको जिनके पास फ़ोन है उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ आया है कि MIUI 13 का अपडेट रोल आउट होना चालू हो चुका है। मैं आपको डिस्प्ले में कुछ फ़ोन्स का नंबर, सीरियल नेम नहीं, फ़ोन का कुछ नाम दिखाने वाला हूँ। इस नाम पे आप ये जितना भी फ़ोन सारे हैं इसी सभी फ़ोन में आपको बहुत जल्द पोको का MIUI 13 का आपको OS अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड बेस 12 पे आने वाला है। या तो एंड्रॉयड बेस 12 पे आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रूमर्स ये भी है कि एंड्रॉयड 12 पे नहीं होगा, एंड्रॉयड 11 पे होगा, लेकिन MIUI 13 के साथ आने वाला है। अब देखते हैं अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये आपके साथ था, ये आपको बहुत जल्द अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों IQ की तरफ से और एक फ़ोन आने वाला है कि जो कि है NIO 6। ये भी एक फ्लैगशिप लेवल का ज़बरदस्त फ़ोन होने वाला है। इसमें आपको एक सैमसंग का लेटेस्ट E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का साथ आने वाला है। इसमें आपको प्रोसेसर 8 Gen 1 देखने को मिलेगा और ये फ़ोन में आपको 4700 का एक बैटरी देखने को, MAH का बैटरी आपको देखने को मिलता है, वो भी 80 वाट चार्जर के साथ। और इसमें आपको ये पूरा फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, तो मतलब और ये फ़ोन आपको अप्रैल में आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि IQ की तरफ से भी और एक फ्लैगशिप का ज़बरदस्त फ़ोन आने वाला है। अगर फ़ोन आ जाए तो हमें फॉलो करते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको इसका पूरा रिव्यू भी लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों OnePlus की तरफ से और एक न्यूज़ आया है, इसमें आपको OnePlus Nord 3 का एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जिसमें आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आपको दोस्तों 150 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। ये इंडिया का सेकंड फ़ोन है जिसमें आपको Dimensity 8100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर आपको पता है, ये प्रोसेसर का आंतु स्कोर बेंचमार्क जो है वो भी 1 मिलियन के आसपास छू रहा है। इसका मतलब ये कि ये भी एक फ्लैगशिप का तगड़ा प्रोसेसर के साथ आने वाला है। और ये फ़ोन में आपको 50 megapixel का सोनी का IMX766 का सेंसर आपको देखने को मिलेगा। बैक में आपको 58 और 2 megapixel देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको 16 megapixel का कैमरा देखने को मिलता है। ये जितना आया दोस्तों रूमर के साथ आया, लेकिन पता नहीं कितने कब आएगा, लेकिन ये जितने भी रूमर्स आते हैं वो सही रूमर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेट यूँ ही बढ़ाते रहिए। वही रेड कलर का बटन है जिसपे आप क्लिक करके हमें हमारा सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले थर्सडे को मिलते हैं, गुड बाय।